प्रश्न चार, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपमुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपमुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा प्रतिरोध क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। हल, समीकरण से हम यह जानते हैं कि निवेशी शक्ति P बराबर विभवांतर गुणित विद्युत धारा। चूंकि हमें विद्युत धारा प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें विद्युत धारा की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम निवेशी शक्ति P बराबर VI से विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार, विद्युत धारा I बराबर P बटे V। यहां पर हमें दो परिस्थितियां दी गई हैं। पहली परिस्थिति के अनुसार जब तापन की दर अधिकतम है तब P का जो मान है वो है 840 वॉट और वोल्ट जो है विभवांतर हम कहेंगे वो है 220। तो इसे हल करने पर हमें कितना मिलेगा? I का जो मान हमें मिलेगा वो होगा 3.82 एम्पियर। इसी प्रकार दूसरी परिस्थिति, नहीं, चलिए अब इस विद्युत धारा का प्रयोग करके हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो अब हम कहेंगे विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध जो होगा वो R बराबर हम V बटे I लिख सकते हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ओम के नियम से। तो हम मान रख देते हैं R बराबर वोल्ट 220 वोल्ट विभवांतर और I का मान अभी हमने निकाला है 3.82 एम्पियर। तो इससे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 57.60 ओम। तो इस प्रकार तापन की दर जब अधिकतम है तब हमें विद्युत प्रतिरोध मिल रहा है 57.60 ओम। चलिए आगे हल करते हैं। अब हम दूसरी परिस्थिति को देखते हैं, जब तापन की दर निम्नतम हो। तब विद्युत धारा I बराबर P का मान रखेंगे। तो निम्नतम दर में जो विद्युत धारा के लिए P का मान है वो है 360 वॉट और विभवांतर है 220 वोल्ट। इस प्रकार हमें I का मान प्राप्त हुआ 1.64 एम्पियर। इसकी सहायता से पुनः हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर से ओम के नियम से हम लिखेंगे, ओम के नियम से R बराबर होगा V बटे I, जहाँ V जो है वो है 220 वोल्ट और जो हमने विद्युत धारा ज्ञात की है वो है 1.64। इसे हल करने पर हमको मिलेगा प्रतिरोध का मान जो कि है 134.15 ओम। अतः प्रश्न का दूसरा भाग भी हल हुआ। मुख्य शब्द, कीवर्ड्स, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, अमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विद्युतरोधी, तुल्य प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, फ्यूज, अतिभारण,
लघुपतन, परिवर्ती प्रतिरोध, अर्धचालक। हमने सीखा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है। किसी चालक में विद्युत धारा का परिमाण विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो चालक के किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर की मदद से किया जाता है, जो कि परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर का मापन एक उपकरण वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है, जो कि परिपथ में समानांतर क्रम में संयोजित होता है। ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में समान ताप पर धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समानुपाती होते हैं। V समानुपाती I, V बराबर IR। धारा प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध यह दर्शाता है कि वह अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे कैपिटल R द्वारा दर्शाया जाता है। रो एक आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यह केवल पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 धन R2 धन R3 और इसी प्रकार होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्येक बिंदुओं के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। समानांतर व पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 द्वारा दिया जाता है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है। वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर VI।